Hey guys, welcome to the another vlog. Anyways, आज 10 दिसंबर है और ये ब्लॉग कितना लंबा होगा आई डोंट नो, क्योंकि ये एक दिन का ब्लॉग नहीं है, मल्टीपल डेज का ब्लॉग है. सो एंजॉय, आई देखते रहो. एंड एनीवेज, आई हैव गॉट समथिंग फॉर मी. ये कुछ कपड़े भी है मैंने, बिकॉज समथिंग ग्रेट इज हैपनिंग आफ्टर 9 डेज. सो लेट्स डू द क्विक अनबॉक्सिंग. ओके, सो वेलकम गाइस टू द डे 2. और मैं बहुत 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 थका हुआ लग रहा हूँ, तो मैं एक मिनट में आया. हे, सो आई एम बाय. और आज 12 दिसंबर है, रात में 11:30 बज रहे. एनीवेज, एक मिनट, ये पार्सल मैंने एक और टी शर्ट बाकी था मेरा, सो इसकी भी अनबॉक्सिंग कर दे. आइए. सो लेट मी ट्राई. दिस लुक्स नाइस एंड फिटिंग इज परफेक्ट. शर्ट मुझे 310 में मिला, विच इज गुड. मिलते हैं कल, आज के लिए बस इतना ही है. गाइस, वेलकम टू द डे 3 ऑफ द कंटिन्यू ब्लॉग. और आप लोग सोच रहे हो ये सब क्या चालू है, तो पता तो आज 13 दिसंबर है, रात के 11:30 बज रहे, ये टाइम मिलता है, क्या करें, एग्ज़ाम्स टाइम है. मुंबई यूनिवर्सिटी महान हो आप. एनीवेज, अभी पैकिंग करना है, तो देखते हैं. अभी बैग वगैरह निकल के रख दिया. सो एंजॉय द टाइम लैप्स. और कहाँ जा रहे वो आगे कंटिन्यू ब्लॉग देखो यार, अगर अभी बता दूँ तो फिर क्या फ़ायदा. ठीक है, सो एंजॉय द टाइम लैप्स. बाय. ऑलमोस्ट पैकिंग हो चुकी है, बस थोड़ा फाइनलाइज करना है, सो वो एक दो दिन में हो जाएगा. एनीवेज, कीप वॉचिंग द ब्लॉग और एंजॉय. I definitely need a haircut, yaar. Tere naam. So, ruke kyun? Aa jao. So, finally आ गया मैं. 0.5 किलोमीटर लंबा जर्नी था. और अगर आप कहीं सीबीडी के आसपास हो या सीबीडी में ही हो, तो ये सेक्टर 6 का मार्केट है, ये अपना सलून है. ठीक है, एकदम मस्त सस्ते में होगा. अभी मैं जाता हूँ, बाल कटाता हूँ, बाद में मिलता हूँ. बाय.
तो हो गई हेयर कटिंग, अभी जाना है मुझे सनग्लासेस लेने को, अगर सस्ते में मिला तो लूँगा, नहीं तो फिर एनी वेज जो पुराना अपना चलता है वैसे चलूँगा। सो ये सेक्टर 4 के मार्केट में, और यहाँ से मुझे बेल्ट वगैरह उठाना है, बेल्ट लेना है और कुछ सामान लेना है, शायद सब भूल गया, क्या करता है देखते हैं। चलो पहले सबसे पहले बेल्ट ले लेंगे। ओके चलिए, अपने पास लेदर का बेल्ट है, लेदर का बेल्ट बेल्ट मिल गया है, और सनग्लासेस नहीं मिला, एक्चुअली महंगा था वो, और मुझे एक्चुअली मैं पहनता नहीं, तो 600-700 देखे मतलब नहीं, तो अभी आगे देखते हैं, अगर और सस्ता में मिलता है तो मैं लूँगा, नहीं तो ठीक है नो प्रॉब्लम। अभी जा रहे हैं दूसरे मार्केट में, सेक्टर 3 का, आज मार्केट टू मार्केट घूमने गए। तो ये है सेक्टर 3 का मार्केट, और ये पूरा सन्नाटा है, यहाँ से मुझे दो चीज़ें उठानी है, और ये ऑप्टिकल गैलरी है इधर, तो मैं जाके चेक कर दो बिल्कुल मुझे इसको दीवाने एक्चुअली क्वालिटी ख़राब हो रही है। एनीवेज मैं सनग्लासेस देख रहा था, सनग्लासेस यहाँ पर भी नहीं मिला, एक वो ही महंगा है, सो वन टाइम यूज़ के लिए इतना महंगा लेके मतलब नहीं, तो देखते हैं अभी कोशिश सर, अगर लेना ही है मुझे तो मैं किसी और तरीके से लूँगा, शायद ऑनलाइन में सर्च करूँ, ऑनलाइन सस्ता मिल जाएगा, नहीं तो गाइस बैक एंड योर बिल्डिंग, और डे 3 एंड्स हियर, और अभी शायद मैं 19th को डायरेक्ट बनाऊंगा, तो अभी तक अगर देखा है तो आगे भी कंटिन्यू करो। बाय। Advantageous structure, and that is why we use binary search trees. So at any node, either you go left or you go right. You can easily understand. It's called binary. So, anyways, guys, welcome back to the day 4, I think so. Or आज 19 दिसंबर है, फाइनली दी डे अराइव्स, ठीक है, और आज लास्ट पेपर है, तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द लास्ट पेपर। पता नहीं क्यों जो सब्जेक्ट इजी है वो थोड़ा मुझे अलग अजब लग रहा है, चलो देखते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा होता है। एनीवेज आई थिंक सो इट्स टाइम टू रिवील द सीक्रेट, क्योंकि गे व्लॉग में आके वही सब रहने वाला है, सो आई एम गोइंग टू डू इट टुनाइट, और मैं उधर अप्रॉक्सीमेटली 18 डेज रहूँगा, मतलब 7 तारीख को आऊँगा मैं रिटर्न, और बाय दैट टाइम यू वॉच दिस व्लॉग मैं ऑलरेडी डुबे में होऊंगा, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और ये तो एग्ज़ाम चलते रहेगा, तो अभी बच चुके हैं 12:15, और मुझे 1:30 तक निकलना है, 1:15-1:30 तक, तो फटाफट मैं एक ट्यूटोरियल देख लेता हूँ, देखते कुछ काम आता है ये, यूट्यूब बाबा अपनी जिंदाबाद, तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करो, कल तक वो पेपर देके आया। ओके सी यू। ये देखो स्कॉलर लोग पढ़ रहे हैं, अभी पूरे स्कॉलर लोग हैं, डेटा स्ट्रक्चर वाले स्कॉलर। वेलकम गाइस, और अभी बज रहे हैं 7:10, अभी ओला बुक किए, आ रहा है अभी, सब रेडी है, ठीक है, और हमारे माताश्री पिताश्री से हम आज मिला देते हैं, हम देखो दोनों बैठे, ठीक है, अभी ओला आएगी, ओला में सामान डालते, फिर मिलता हूँ एयरपोर्ट पे।
सो फाइनली इन द एयरपोर्ट चेकिंग हो गई। ये देखो अभी तुम आ गए हो, अभी जा रहे इमिग्रेशन में, इमिग्रेशन क्लियर करके मिलता हूँ, ठीक है। क्लियर दी इमिग्रेशन और अब हम लोग गेट के पास जा रहे। सो फाइनली दुबई इज ऑन और ये पीछे ड्यूटी फ्री शॉप है, आगे जा रहे हम लोग। गेट 67 भी है, देखते अभी कुछ भूख भी लगी है। और फिलहाल 11 बजे 11:40 का फ्लाइट है, एकदम फुल सेट में हम लोग आए, ठीक है। आगे का नज़ारा देखो, बोर्डिंग प्लेन और टाइम हो गया, लगभग क्या ना बड़ा। एनी वेज फ्लाइट में बैठने के बाद बताता हूँ, ठीक है, मिलते हैं। पहुंच गए शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी आ रहे हैं उसमें। और मैं जाके अभी सोने वाला हूँ, बहुत नींद आ रही है। बज रहे 3 इंडिया के, 3 बज रहे, दुबई के अप्रॉक्सीमेटली 1:30 के आसपास हो रहे हैं। सो एनीवेज आगे का एंजॉय करो, ओके। चीचा का है